जब आपको पता है तो आप पूछ क्यों रहे हैं? ना ना गोरी मैम, आप गलत समझ रही हो। वो कहा है कि ऐसो ऐसो सब कार्रवाई करने पड़ती है ना। अब ये हाल की बात है, हमारी प्रेग्नेंट बीबी की सोने की चैन खो गई, तब भी हमने ये सब ऐसे ही पूछताछ करी थी। ज्यादा रायता मत फैलाइए, रिपोर्ट लिखिए। ठीक गोरी मैम, आपको क्या लग रहा है, मतलब कौन ने किडनैप करो हुए भैया विभूति को? वो चाइनीज आए थे दो, और उनके साथ हथियार भी था। गोरी मैम, चाइनीज जो होते भी गोरे होते कि काले होते? आपने कभी काला चाइनीज देखा है ना? फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? चाइनीज तो गोरे होते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही सही बात है। गोरी मैम, आपको भैया विभूति की कब वजह लग रही है, मतलब कब वजह हो सकती है किडनैप की? अब किडनैप की वजह मुझे विभू का फॉर्मूला लगता है, जिसके जरिए वो एक ही रात में टमाटर उगा लेता है। मेरे ख्याल से वो चाइनीज भी विभू से वो फॉर्मूला हथियाना चाहते हैं। विभूति भैया, विभूति भैया। काय भाई काय चिल्ला रहा है इतना? भैया हम चिल्ला नहीं रहे, विभूति भैया पे पूरे 3,000 रुपए बनते हैं हमारे, हम तो वही मांगने आए। 3,000 रुपए? मैंने कब तुमसे सब्जी ली? भाभी जी, विभूति भैया पिछले 2-3 दिनों से रोज रात में हमसे 10 किलो टमाटर ले जाते हैं, और जब पैसे मांगते हैं तो आजकल आजकल कह के टाल देते हैं। माफ कीजिएगा भाभी जी, विभूति जी का टमाटर उगाने का फार्मूला है ना, ये अब हमारी समझ में आया। माफ कर दियो गोरी मैम, समझ में तो हमें भी आ गो अब। समझ में तो मुझे भी आ गया। लेकिन हमारी समझ में कुछ ना ही आया। तुम्हारी समझ में आएगा भी नहीं पगली। लेकिन गोरी मैम, अब मुश्किल जाएगी कि अपने भैया विभूति अब उन चाइनीज लोगों को जवाब कर देंगे, मतलब कैसे बताएंगे कि उनके पास में कोनू फार्मूला है तो वही ना, जो भी है तो वो झोल है तो। भाई माँ, भाई माँ, आपको चिंता करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, मैं विभूति भैया को एकदम सुरक्षित ले आया हूँ। बेसिकली मैं कुंग फू मास्टर हूँ। I like it. उन चीनियों को ऐसा धोया मैंने, ऐसा धोया कि उनकी नानी याद दिला दी मैंने। तमाम तकलीफ और टॉर्चर के बाद भी इन चीनियों को फॉर्मूला नहीं दिया। फॉर्मूला तो तब बताओगे ना जब कोई फॉर्मूला होगा। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब पेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई। चल यहां से।
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली, चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना। ठीक है, हम आते हैं।